तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एमएस एक्सेस डेटाबेस। और एमएस एक्सेस डेटाबेस में हम टेबल क्रिएशन जो हमने सीखा था, उसी टेबल क्रिएशन में हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशंस की, टेबल के अंदर ऑटो कैलकुलेशंस की। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए आईडी, चलो मैं ऑटो दे रहा हूँ। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, रिकॉर्डिंग परमिशन देखिए सर। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है सर, स्टार्ट हो गई होगी। मैं क्लिक कर रहा था, हो गया। अब हो गया। ठीक सर। जैसे कि यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि कस्टमर नेम यहाँ देता हूँ, कस्टमर नेम, नेम के बाद इन शॉर्ट नेम देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि मैं डेट दे दिया, डेट। अब देखिए डेट रिजर्व वर्ड है, तो डेट की जगह पे क्या देंगे हम, यहाँ पे परचेज डेट, पी डेट दे देते हैं। और स्पेस मत दीजिएगा वरना कॉमा सिंगल कॉमा का फर्क पड़ जाता है। और इसमें डेट एंड टाइम दे दिया ताकि मुझे टाइप करते समय ड्रॉप डाउन आएगा। अब मैं इसमें मान लीजिए प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट दे दिए, तो यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे यहाँ पे क्वांटिटी दे देता हूँ। क्वांटिटी हमारा नंबर है और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एमआरपी, एमआरपी भी हमारा नंबर है। अब इसमें क्या है कि अमाउंट हमें देना है, हम अमाउंट में चाहते हैं क्वांटिटी और एमआरपी कैलकुलेट हो जाए, समझ गए। तो यहाँ पर हम वहाँ मैनुअल कैलकुलेशन के डालेंगे, उससे अच्छा है कि यहाँ पे जैसे आप एक्सेल पे लगा देते हैं ना, उस तरह से यहाँ भी कैलकुलेटेड आपको फील्ड की डाटा टाइप दिखेगा। इस कैलकुलेटेड पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक तो इनबिल्ट फंक्शन भी है, वो भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन नहीं देना है हमें। यहाँ पे देना है कि बड़ी ब्रैकेट में क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एम आर पी, ठीक है, एंड ओके कर दिए। उसके बाद अगला आता है यहाँ पे अमाउंट के बाद, मान लीजिए मुझे यहाँ पे टैक्स भी चाहिए 18%। तो कैलकुलेटेड में, यहाँ कैलकुलेटेड में आते हैं और यहाँ पे हम मैं करता हूँ इक्वल अमाउंट, इक्वल कर दीजिएगा एक मिनट, इक्वल अमाउंट, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 18%। अब यहाँ पे आया प्रॉब्लम, आया क्यों आया प्रॉब्लम, क्योंकि 18% जो है नहीं लेगा। तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ कि इक्वल बड़ी ब्रैकेट में एम आर पी आर पी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.18, ये परसेंटेज नहीं लेता है। अब देखिए हो गया। अब यहाँ पे अब इसको हम सेव करते हैं और हम डेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे कोई भी टाइप करते हैं, जैसे मैं नाम टाइप किया पूजा, डेट के लिए यहाँ पे हमारे पास कैलेंडर आ गया, हमने डेट चूज किया था इसलिए कैलेंडर आया, वरना नहीं आता। अब यहाँ पे जैसे मैंने क्वांटिटी 20 डाला, एमआरपी मैं मान लीजिए 45 डालता हूँ, तो ये अमाउंट और टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि टैक्स 8.1 आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि टैक्स राउंड फिगर में आए, या फिर मान लीजिए मैं यहाँ पे टोटल ग्रांड टोटल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया डिजाइन व्यू में और यहाँ पे जी टोटल करके हमने एक टोटल बना लिया। अब इस पे भी मैं कैलकुलेटेड ही डालूंगा, कैलकुलेटेड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि इक्वल अमाउंट प्लस टैक्स, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि वो ए आएगा इसमें, राउंड में नहीं आएगा, मुझे इसको राउंड में करना है, राउंड होना चाहिए। राउंड फंक्शन यहाँ डाल दें सर। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए विल फंक्शन, इन विल में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, तो यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शन में आप देखेंगे राउंड का फंक्शन दिखेगा, दिख गया सर। तो आप ऐसे जनरली लिख भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ दोनों को मर्ज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे और यहाँ पे कॉमा हम जीरो दे देते हैं, तो इस तरह के राउंड का फंक्शन हमने लगा दिया। अब इसको यहाँ पे सेव कर, अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे राउंड हो गया। तो कैलकुलेटेड आइटम लगाने से क्या होता है कि आपका
जो फिल डेटा ऑलरेडी एंट्री है उसके ऊपर भी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब चलिए एक बार हम बिल्ड फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक और आते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं देता हूँ मंथ, मंथ भी क्या है रिजर्व नेम है, तो मैं यहाँ पे एस मंथ करता हूँ सेल मंथ। अब यहाँ पे कैलकुलेटेड करता हूँ। अब देखिए फंक्शन क्या है, सबसे पहले फंक्शन की कैटेगरी यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन है आपका, ठीक है ना। इनबिल्ट फंक्शन में आपके फंक्शन की कैटेगरी आपको दिख रहा है, कैटेगरी इनबिल्ट फंक्शन ही क्यों दिख रहा है, बिल्ट इन फंक्शन ही क्यों दिख रहा है, और फंक्शन क्यों नहीं है यहाँ पे, बात समझ में आ रहा है सर कि और फंक्शन क्यों नहीं है। तो इसमें आप डिफाइन फंक्शन भी तो होता है हमारा, अल्ट एफ 11 करके जो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं वो भी तो होता है। वो तो यूजर डिफाइन हो गया। हाँ यूजर डिफाइन तो आएगा, तो ये बिल्ट इन हुआ मतलब कि एक्सेस के साथ बिल्ट है। तो इसमें आपका हम जब करेंगे तो उसके नीचे आ जाएगा वर्जन है, ये आपका डेट एंड टाइम है, ये आपका फाइनेंशियल है, ये आपका इंस्पेक्शंस है, ये आपका मैथमेटिकल है, ये आपका प्रोग्राम फ्लो है, ये आपका टेक्स्ट है। समझ गए। तो इसमें आते हैं कन्वर्जेस में, कन्वर्जेस में क्या है ASCII क्या करेगा, ये उसका इसके कोड दे देगा सर। हाँ कोड देगा, ये था सी डबल डबल में चेंज करता है, जैसे एक्सर आपने VVA में देखा था ना डेट सीरियल, पता है आपको क्या करेगा डेट सीरियल, आप ईयर मंथ डे डालेंगे तो उसको कंबाइन करके डेट कर देगा, डे आपका डे अलग करेगा सिर्फ, ये आपका आवर आवर अलग करेगा, मिनट मिनट अलग करेगा, मंथ मंथ अलग करेगा, सेकंड सेकंड अलग। CDBL नहीं समझा सर मैं, CDBL फिर बताइएगा यार नहीं याद आ रहा है। सी फॉर चेंज, DVM डबल मतलब चेंज डबल, बीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में आप डबल डेटा टाइप असाइन करते थे, अप्लाई करते थे डाटा टाइप इंटीजर इंटीजर और डबल जो यूज करते थे वो। ओके ओके अच्छा ठीक ठीक, इसको कन्वर्ट क्योंकि कैटेगरी है कन्वर्जेंस का, दिख रहा है आपको यहाँ पे, समझा समझा। हाँ तो एक क्या करेगा, जैसे आपका इंट है इंट को डबल में कन्वर्ट करेगा, आपको याद होगा न्यू कनेक्शन डेटाबेस उसमें हमने एक ही टाइप का डेटा टाइप, मान लीजिए ना कि आपका डेटा आपका जो है कॉलम जो है आपने कॉलम डिफाइन कर रखा है डबल का राइट, लेकिन आपको डेटा आपको इम्पोर्ट हो रहा है इसमें टेक्स्ट में, तो ये तो एरर दिखा देगा, एक्सेप्ट तो करेगा नहीं, तो आपको वहां पे चेंज डबल का फंक्शन लगा के उसको डबल में चेंज करके फिर यहाँ पे लोड करवाना पड़ेगा। Got it, sir, got it. उसी तरह से सेकंड सेकंड होगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा STR, नहीं स्ट्रिंग नहीं STR है सॉरी, STR समझते हैं ना क्या करता है, मैं तो स्ट्रिंग ही समझ रहा था सर। ABS ASCII समझे थे, इसका अपोजिट नहीं होता है। अच्छा 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 समझ गया समझ गया, वो सर फिर उसका कोड डालेंगे तो उसके अगेंस्ट में वो डाल देगा वैल्यू बना देगा। हाँ और AE आपका जो है ये STR डॉलर लगा हुआ ए हो आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। ओके ये आपका टाइम सीरियल, ये आपका वीक डे, वीक डे फॉर्मूला तो एक्सेल में पढ़ा था आपने ना। अगर हम सिर्फ डेट एंड टाइम की बात करें तो कन्वर्जेंस की बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे डे हो गया, आवर हो गया, मिनट हो गया, सेकेंड हो गया, टाइम सीरियल हो गया, वीक डे नेम यहाँ पे नया फॉर्मूला है, जैसे वन डालोगे तो मंडे, टू डालोगे ट्यूजडे, इस तरह से दिखाएगा ईयर होगा। ओके ओके फाइनेंशियल फॉर्मूला में आए तो ये आपका PVFBPMT जो आपने एक्सेल में पढ़ा था वही फॉर्मूला यहाँ पर है। DDM DDB क्या है, डिप्रिसिएशन निकालता है। अच्छा ओके ठीक है ना, ये सारा फॉर्मूला आपका एक्सेल में था ना सर। सर हाँ सर, वो फाइनेंशियल वाले फॉर्मूले यूज कहाँ करते हैं सर। हाँ तो वो सारे फॉर्मूले फिनेंस वाले लड़के
सारे फॉर्मूले यहाँ पर ये सर, इंसेप्शन में क्या है सर, इंसेप्शन में देखिए, इंसेप्शन में चेक करना, इंसेप्शन से पता चल रहा है कि इज एम्प्टी इज नल, मतलब कि अच्छा अच्छा लगाना चाहते हैं आप, मान लीजिए कि डेटा आपने दे दिया और अगर किसी ने नल यूज किया तो उसमें जो है ऑटोमेटिकली टाइप हो जाना चाहिए फलाना चीज, ठीक सर ठीक सर ठीक है ना। मैं इसका यूज भी बताऊंगा, ठीक है ना। मैथमेटिकल फॉर्मूला एवीएस एब्सोल्यूट वैल्यू करता है, सारा मैथमेटिकल फॉर्मूला पूरा एक्सेल का ही है। कॉस थीटा ये एक्सप्रेशन मतलब कि जो है नेचुरल लॉगरिथम नंबर जो होता है रिजायर्ड पावर के दिखाएगा, ये फिक्स ये आपको इंटीजर का फिक्स करता है पोटेशंस, मतलब वो ये डेसिमल बता देता है, समझिए ना, इंटीजर में कन्वर्ट करता है, लॉग जो होता है उसका आपका रिटर्न द डबल सिफाई नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द नंबर, मैथमेटिकल है, राउंड में आपने यूज किया ही, एसएनजी ये साइन ये क्या बताता है, है? अच्छा साइन, अगर आपके अच्छा साइन अच्छा अच्छा माइनस में है तो वन, प्लस में माइनस में तो माइनस वन, प्लस अच्छा वन और जीरो है तो जीरो, ये आपका साइन जो है साइन थीटा का मान दिखाता है, और ए स्क्वायर ओके ये आपका स्क्वायर बताता है, स्क्वायर रूट, ये आपका टैन टैन का मान दिखाता है। प्रोग्राम फ्लो में आए तो चूज आपको पता ही है, और ये हाँ आपका इफ, ठीक है ना, ये फॉर्मूला यस सर ठीक है ना, एक्सप्रेशन ट्रू पार्ट एंड फॉल्स पार्ट, सिंपल सा दिख रहा होगा, बस यहाँ पे आई आई एफ है, वहां पे इफ से था, तो इफ फॉर्मूला भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। टैक्स की बात करें तो ए सी पता ही आपको, उसके बाद इन इन एस टी आर पता होना तो चाहिए, फाइन फंक्शन है सर, इन स्ट्रिंग तो फाइन फंक्शन है, टेक्स्ट हाँ, एल केस लोअर केस वाला। लेफ्ट लेफ्ट राइट मिड, ये सब वही फॉर्मूला है, एल केस दो बार क्यों है सर? सर डॉलर लगा हुआ है, लेफ्ट हुआ ना, दो बार क्यों? एल डॉलर से क्या करेंगे? अच्छा देखिए लेफ्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है डेफिनेशन में, कंटेन द स्पेसिफिक नंबर एंड करेक्टर फ्रॉम द साइड ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग, इसमें आपका आता है स्पेसिफाइड हाँ नंबर ऑफ करेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, समझ में आया आपको, ये आपका सिर्फ करेक्टर पे वर्क करता है, ऊपर वाला करेक्टर और नंबर दोनों पे वर्क करता अच्छा, है, लेन पता ही है, मिड और मिड डॉलर वही है करेक्टर पे या नंबर और करेक्टर, स्पेसिफिक नंबर ऑफ करेक्टर, ओके। उसके बाद आपका राइट पता ही आपको, स्पेस पता ही आपको, स्पेस में कन्वर्ट करता है, जस्ट लाइक टेक्स्ट राइट रिब रेप्ट फॉर्मूला, ये रिपीटिंग करेक्टर देता है कि आपको अगर मान लीजिए कि ए को 5 बार रेप्ट ही समझिए ना, कि काउंट दीजिए और करेक्टर दीजिए उतना बार रिपीट कर देगा, ट्रिम बताइए क्या करता है, और यू के सपोर्ट, तो इसे मोस्टली फॉर्मूला आपको पता ही है। अब इसका यूज जैसे मान लीजिए ना मुझे इसमें डेट एंड टाइम में मंथ का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि मुझे पता चाहिए मंथ से सेलिंग मंथ कि जो डेट टाइप कर उसका मंथ ऑटोमेटिकली निकाल दे, तो मैंने यहाँ पे दिया मंथ फॉर्मूला, और मंथ फॉर्मूले में मैंने ले लिया पी डेट, ठीक है, अब मंथ आ गया तो मुझे क्वार्टर भी चाहिए क्या, तो यहाँ पे भी मैं कैलकुलेटेड लेता हूँ, कैलकुलेटेड में मैंने यहाँ पे, यहाँ आपको पता होगा बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास, और बिल्ट इन फंक्शन में आपको दिख रहा होगा प्रोग्राम फ्लो, नहीं हाँ प्रोग्राम फ्लो चूज, ठीक गया, चूज में हमारा इंडेक्स नंबर हो जाएगा एस अंडरस्कोर एस अंडरस्कोर मंथ, ठीक है मंथ, और चॉइसेस, अब कॉमा कॉमा लगा के मैं चॉइसेस देना चाहूंगा, तो इसमें आ जाएगा क्वार्टर वन कॉमा क्वार्टर टू कॉमा क्वार्टर थ्री कॉमा क्वार्टर फोर,
ठीक है क्लियर सर। लेकिन नहीं, दिक्कत है, दिक्कत है यहाँ पे, दिक्कत हो गया सर। नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मंथ आएगा ना यहाँ पे, तो चूज करके तो हर 3 पे मंथ करना है ना। कैसे पता चलेगा प्लस बताइए? 90, प्लस 90 कर दीजिए सर। नहीं, मैं चाहता हूँ कि एक नंबर एक से लेके, यहाँ मैं चाहता हूँ कि नंबर एक से लेके 3 हो तो 1 आना चाहिए। 3 से लेके अगर मान लो 6 है तो यहाँ पे, 4 से लेके 4 से लेके 6 है तो यहाँ पे यहाँ पे 2 आना चाहिए। मतलब कि मैं यहाँ पे 2 टाइप किया तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, 3 टाइप किया तो यहाँ पे 1 तो होना। उसका ऐसा करते नहीं सर, टैक्स फॉर्मूला लगा देते हैं मंथ के आगे और उसका मंथ का काउंट निकाल लेते हैं। टैक्स फॉर्मूला यहाँ पे है नहीं ना, मान तो निकल नहीं ही सर रहा लगता है सर, नहीं मान। टैक्स फॉर्मूला लगेगा सर, आप लगाइए सर, टैक्स फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो नहीं, 3 से करते, एक मिनट, सिंपल हो गया सर। राउंड अप भी तो नहीं लगता इसमें। हाँ, इसमें टैक्स फॉर्मूला नहीं लगता, इसमें नहीं लगता ना सर, क्योंकि टैक्स में टैक्स फॉर्मूला नहीं है ना यहाँ पे। कहाँ टैक्स फॉर्मूला दिख रहा है आपको सर? टैक्स इसमें सारे फॉर्मूले नहीं लगते हैं सर, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे कम फॉर्मूले लगते हैं। तो अगर मैं इस मंथ जो है उसको अगर हम यहाँ डिवाइड करते हैं 2 से, 2 नहीं 3 से, फिर जो रिजल्ट आता, अब इसमें ही करना है कि अगर रिजल्ट डेसिमल में आया तो प्लस हो जाना, राउंड अप तो इसमें है नहीं, सिर्फ राउंड है। और आप रुकिए, डेट में कुछ होना चाहिए, टाइम सीरियल डेट सीरियल मंथ पार्ट नहीं, डेट पार्ट भी होता है वो नहीं है इसमें सर। तो ये तो वर्क कर जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो डेसिमल में आएगा तो दिक्कत है, डेसिमल में आएगा तो दिक्कत है। यहाँ पे लगा के देखिए ना, चूज जैन कॉमा फेब कॉमा मार्च, एक ही को रीड कर रहा है जो कि दो रीड करना चाहिए था। तो इसके लिए आपको फिर यहाँ पे क्वार्टर बाई 3 एक बार करके देखता हूँ मैं। रहे हैं यहाँ पे क्वार्टर 2 आना चाहिए, फिर क्वार्टर 1 ही दिख रहा है सर।
हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ इसमें क्वार्टर वन ही आ रहा है, इसमें कुछ करना होगा सर, क्योंकि इसमें लिमिटेड फॉर्मूला है। प्रॉब्लम यही है ना, अगर आप क्यूरी में जाएंगे तो आपको बहुत जल्द। बाद चेक कर लीजिएगा बाद में। मुझे सर ये बताइए, जैसे ये एक्सेस फाइल हम लोग सेव करते हैं तो इसका एक बार एक्सटेंशन होता है .acc करके होता है, ठीक सर? एक होता है एक्सटेंशन, क्या कहते हैं कि MDBB करके होता है हाँ सर। जब एसक्यूएल सर्वर में हम एक्सेस फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये ACCC वाली फाइल नहीं लेती है, इंपोर्ट नहीं हो रही है, नहीं होती है इम्पोर्ट। बेसिकली जो उसके लिए क्या करें सर? आप जब सेव एज करते, जब यहाँ पे आप सेव, जब आप उसको सेव एज करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपका एक्सेस फाइल जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, एक होता है आपका एक्सेस 2000 डेटाबेस, टू पुराना थाउजेंड वर्जन। हाँ पुराना वर्जन, समझ गया ना। तो ये हम्म, पुराना वर्जन, ये पुराना 2002 से 2003 होता है, तो जो आपका एक्सेस है वो .dbt जो है, DTB, हाँ DTB जो है वो उसको एक्सेप्ट करता है, ये फाइल को एक्सेप्ट नहीं करता है सर। तो क्या करें सर? तो आपको सेव एज करना पड़ेगा इसमें। और सर मैं एक्चुअली जो एक्सेस फाइलें बना रखा हूँ वो बना रखा हूँ नॉर्मल, अब उसको मैं सेव कर रहा हूँ दूसरे फॉर्मेट में, तो कह रहा है आपके बहुत सारे फीचर जो नए वर्जन के हैं आप पुराने में करेंगे तो उड़ जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। तो मैंने करके देखा भी, वो उसकी वाट लग गई, मैंने कॉपी बनाया उसकी और फिर उसको ऐसे करके देखा तो वाट लग गई। तो मैं क्या कहते हैं कि नहीं हो पाया, फाइल इम्पोर्ट नहीं हो पाया। फिर एक सॉफ्टवेयर मैंने डाला था, क्या था, एक एसक्यूएल सर्वर, कुछ होगा ऐसे ही सर। तो सर एक काम आप करें, हेलो, जो मैंने फंक्शंस बताया ना सर, वो सारे फंक्शन आप यूज बता लें। और इस देखिए मैं इस वीक, पूरे वीक में 11 बजे के बाद खाली हूँ, 11 से 7 के बीच में। 11 से 7 सर के बीच में कभी भी आपको क्लास होना हो तो मुझे बस 1 घंटा बाद पहले बता देना, मैं फ्री होकर बता दूंगा, ठीक सर, ठीक ठीक है सर। ना। और सर मुझे एक चीज और बताइएगा, जो बताइए। हम लोग सर फॉर्म, यूजर फॉर्म क्रिएट करते थे उसमें जो लेबल लगाते थे वो लेबल का अलाइनमेंट मेरा क्या कहते हैं सही नहीं हो रहा है, वो बार बार ऊपर ही रह रहा है, बीच में नहीं आ रहा है। वो फिक्स नहीं और किया उसको, अलाइनमेंट वाला फॉर्मेट सर है? एक मिनट, वो ऑटो रिसाइज हो गया होगा। जैसे आपने लेबल लिया और लेबल को मैंने यहाँ ड्रैग किया, कर दिया ना सर, तो यहाँ हाँ आप इसकी प्रॉपर्टी में जाके देखिएगा, इसमें आपको ऑटो साइज यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए, वहां पे ट्रू होगा आई थिंक, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। इसको सर जरा लंबा करिए अपने लेबल को सर, मेरा लेबल बहुत लंबा है, मतलब सर ऊंचा है, ऊंचाई इसकी बढ़ाइए सर लेबल की, नहीं लेबल का ऊंचाई, ऊंचाई बढ़ाइए सर। हाँ और बढ़ाइए, अब इसको सर लेबल को बीच में लाइए सर आप, ये लेबल लिखा हुआ है इसको तो यहाँ लेवल पे, वन लिखा। हाँ हाँ सर, ओके। तो इसको बीच में यहाँ से ना आएगा, यहाँ पे ये यहाँ से करना पड़ेगा, ये आपका फोन। मैं टेक्स अलाइनमेंट में गया था सर। अच्छा फॉन्ट में, नहीं इसमें नहीं है, तो अंडरलाइन है सिर्फ, टेक्स्ट अलाइनमेंट में होगा नीचे। हाँ सर टेक्स्ट लाइन, हाँ यहाँ पे मैं गया था सर, सेंटर कर दिया, लेकिन मेरा सर ये ऊपर, जैसे ऊपर है ना सर बीच में, नीचे नहीं आया सर, ये ऊपर ही रह गया मेरा। बेसिकली आप नहीं समझे, ये आपका लेवल है, ये आपका ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, लेवल जो होता है वो आपका एक लाइन, सिंगल लाइन लिखने के लिए होता है सर। और रैप सेंटर नहीं होता है, रैप नहीं ना है आपका, तो उसके लिए क्या बटन यूज कर, क्या यूज करूं? इतना लंबा लेबल क्यों रखना चाहते हैं आप? अरे सर वो फॉर्मेट ही ऐसा है तो आप जो इसको, एक्चुअली का, तो इतना बड़ा मत कीजिए, आप लेबल को छोटा कर लीजिए, और छोटा करने के बाद जहां रखना चाहते हैं वहां इस तरह से रख दीजिए। लेकिन सर उसके अगल बगल का बॉक्स सर क्या कहते हैं बड़ा करना है मुझे, अच्छा बॉक्स को एक बड़ा, बॉक्स।
टेक्स्ट बॉक्स को बॉक्स सर एक्चुअली जो अब अपना टेक्स्ट बॉक्स को जो पढ़ा यूजर फॉर्म दीजिएगा ना, मैं कहाँ प्रॉब्लम हम देख लेंगे, लेकिन एक चीज देख लीजिएगा यहाँ इसका जो रिसाइज वाला फॉल्स होना चाहिए, और यहाँ एक और होता है, यहाँ पे दो चीज होने के कारण से होता है, लेवल पकड़ लीजिए। एक्चुअली सर जो एक समय मेरे को उसका प्रिंट निकालना है सर, यूजर फॉर्म बनाएंगे उसमें डाटा पॉपअप करके लाएंगे, मतलब सब फिट करके लाएंगे और फिर उसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद मुझे देना है सामने वाले को साइन करके दो, तो अगर ये मैं लेबल ऊपर नीचे करूंगा तो जो उसके अगर बाकी जो बॉर्डर्स बनेंगे सर वो बॉर्डर गड़बड़ बन जाएंगे, मुझे बॉर्डर भी क्या कहते हैं उसमें दिखाने के लिए कि ये यहाँ लिखा है वो वहां लिखा है, और जैसे आपने अभी लेबल को ऐसे लिख दिया, और हम लोग सर जो टेक्स्ट में वर्टिकल अलाइनमेंट करके लिखते हैं ना सर, एल नीचे उसके ऊपर ए उसके ऊपर बी ई एल ऐसे लिखना है मानो सर टेक्स्ट अलाइनमेंट में, जैसे हम लोग एक्सेल में करते हैं वैसे करना है तो क्या करूं? So, ऐसा तो इसमें कुछ है नहीं अभी तक, तो दिखा नहीं मुझे क्योंकि इससे पहले कभी इस तरह का ये यूज नहीं किया हमने। तो देखिएगा सर थोड़ा सा मेरे को एक्चुअली सर ये एक केपीआई बन रही है उसमें साइन अप का कराना है, तो ढेर सारे क्या कहते हैं कि वेंडर है, मैंने डाटा बैंक तो अपना बना लिया, वो फॉर्म यूजर फॉर्म भी बना लिया उसमें डाटा भी आ रहा है, अब बात ये है कि वो जो टेबल है जो लिखा हुआ है मतलब जो वर्ड वो बहुत ऊपर है, उसको मुझे थोड़ा नीचे लाना है और उसको घुमा के टेढ़ा कर देना है क्योंकि वो एक मर्ज सेल सा दिखना चाहिए, वैसा मुझे दिखाना है क्योंकि वो वैसा ही फॉर्मेट दिया हुआ है दूसरे में, तो मैं उसको सोचा फॉर्म से करता हूँ लेकिन वो नीचे नहीं आ रहा है और उसको घुमा भी नहीं पा रहा हूँ, खड़ा नहीं कर पा रहा हूँ उसको, और घुमा भी नीचे भी नहीं ला पा रहा हूँ, वर्ड उसका नीचे नहीं ला पा रहा हूँ और पूरे वर्ड को घुमा के मैं खड़ा करना चाह रहा हूँ। यूजर फॉर्म का यहाँ पे लिमिटेड ये होता है क्या बोलते हैं फॉर्मेटिंग, यहाँ आप अपने हिसाब से फॉर्मेट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा अच्छे तरह से करने का। ठीक है ठीक सर ओके सर।